हेलो दोस्तों, रियल सिविल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक जो कि ग्राउंड पे रेस्ट है, उसका डिज़ाइन किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें जो होता है कि लेंथ ऑफ वॉल दी गई होती है 6 मीटर, यहाँ पे दी है, उसका नोटेशन यल है। विड्थ ऑफ वॉल होती है 4 मीटर, जो इसमें 4 मीटर दी है, और डेप्थ ऑफ वाटर दी गई है यहाँ पे, नॉट डेप्थ ऑफ वाटर टैंक, सो वो 3.5 मीटर है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि डेप्थ ऑफ वाटर जो भी है उसमें हम जब फ्री बोर्ड ऐड करते हैं तो हमें टोटल डेप्थ ऑफ वाटर टैंक मिल जाती है। फ्री बोर्ड मतलब क्या होता है कि पानी जो है वाटर टैंक में पूरा नहीं भरते, थोड़ा सा स्पेस रहता है, उसे फ्री बोर्ड करते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील एज्यूम करना पड़ता है अगर प्रॉब्लम में नहीं दिया गया हो। तो हम इसे M30 और Fe415 एज्यूम करते हैं। फ्री बोर्ड भी हमने 0.2 मीटर एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो पहला हमारा टास्क क्या है कि हमें टोटल डेप्थ वाटर टैंक की निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, डेप्थ ऑफ वाटर प्लस फ्री बोर्ड ऐड करेंगे, सो 3.5 प्लस 0.2, सो हमें h मिल गया 3.7 मीटर, मतलब ये 3.7 मीटर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, जो लेंथ है डिवाइडेड बाय विड्थ, इसका हमें रेशियो लेना है और वो रेशियो 2 से कंपेयर करना है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। 2 से कम रेशियो का अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है, और 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसका टेक्निक अलग है। यहाँ पे एक मिनट के लिए आप देख ले, जो ग्राउंड पे रेस्ट होते हैं उसमें लेंथ डिवाइडेड बाय विड्थ लेस देन 2 होगा, तो जो वाटर टैंक की वॉल्स होती हैं वो एज अ कंटिन्यूस फ्रेम डिज़ाइन की जाती है, और उसका जो हाइट है वाटर टैंक का, उसका H/4 हम जब करेंगे या 1 मीटर जो भी मैक्सिमम होगा फ्रॉम बेस, ये वाटर टैंक का बेस है और ये हाइट है मतलब डेप्थ है, तो ये जो नीचे का H/4 या 1 मीटर होगा वो एज अ कैंटिलीवर एक्ट होगा। ठीक है, और यही पहला केस है। और दूसरा केस होता है लेंथ अपॉन विड्थ, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो क्या होता है कि जो लॉन्ग वॉल से, मतलब सपोज एक 6 मीटर है एक 3 मीटर है, तो जो लॉन्ग वॉल कौन सी 6 मीटर वाली हुई तो वो एज अ कैंटिलीवर फ्रॉम बेस डिज़ाइन होती है, और उसका टेक्निक अलग है। इसमें हम ये वाला प्रॉब्लम देखेंगे, काफ़ी आसान है, बहुत ही सिंपल है। कंटिन्यूस फ्रेम मतलब आप सिर्फ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बीम का, उसी प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें आया लेस देन 2, मतलब हम कंटिन्यूस फ्रेम की तरह हम डिज़ाइन करेंगे, और जो बॉटम का 1 मीटर होगा या H/4 वो हम एज अ कैंटिलीवर डिज़ाइन करेंगे। तो एक्चुअल में हमारा डिज़ाइन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पहले हमें डिज़ाइन कांस्टेंट फाइंड आउट करने होते हैं। इसमें कांस्टेंट का मतलब यही है, अगर देखो, अगर M30 ग्रेड और Fe415 आपने एज्यूम कर लिया तो ये जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू सेम आएगी, लेकिन अगर कॉन्क्रीट का ग्रेड बदला तो उसके लिए वो अलग आती है। इसलिए देखते हैं क्या है इस डिज़ाइन कांस्टेंट में। इतने ही आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। अगर M30 और Fe415 एज्यूम कर लिया तो ये Q की वैल्यू 1.80 ही आएगी, क्योंकि सब यहाँ पे कांस्टेंट ही होता है। देखिए, पहले हमें सिग्मा CBC, यहाँ पे क्या होता है कि ये कंक्रीट का स्ट्रेस, और B और C का मतलब बेंडिंग कंप्रेशन होता है, वो M30 के लिए फिक्स होती है, और ये σST जो होता है वो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन, मतलब ये S स्ट्रेस के लिए स्टील के लिए, और ये टेंशन के लिए, ये भी फिक्स होता है। इसकी वैल्यू अगर आपको चाहिए हो तो IS 3370 Part 2 Table 2 और Table 4 में इनकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये डिपेंडिंग अपॉन ग्रेड ये फिक्स होते हैं। ठीक है, तो पहला हमें M कैलकुलेट करना है। M मतलब मॉड्यूलर रेशो, उसका फॉर्मूला ये है, और इसमें आप वैल्यू पुटअप कीजिए आपको मिल जाएगा। मॉड्यूलर रेशियो का भी फॉर्मूला IS 456 में पेज नंबर 80 पे मिल जाएगा। इसके बाद हमें न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट निकालना है। इसमें भी देखिए, वेरिएबल कुछ नहीं है, जो
ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड है। अगर M30 आपने अज्यूम कर लिया और ये V415, तो ये सारे आंसर सेम ही आएगी, ठीक है। इसके ऊपर इसके बाद आपको J कैलकुलेट करना है, जो कि J मतलब होता है लीवर आर्म कांस्टेंट, उसका ये फॉर्मूला है 1 - K/3। और फाइनली आपको Q मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन, ये डेरिवेशन में सारे फॉर्मूले डिराइव हुए हैं, इसलिए आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलों को याद रखिए और वैल्यू पुटअप कीजिए, और ये 1.80 हमें क्यू मिल जाएगा। यदि आप M30 और FE415 आपने एज्यूम कर लिया, तो आप डायरेक्टली Q1.80 लेके भी आगे जा सकते हो, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हमारा होता है डिजाइन कांस्टेंट, हमें क्यू तक पहुंचना है। हमेशा प्रॉब्लम RCC में ध्यान रखिए कि क्या निकालना है और हमें कहाँ तक पहुंचना है, ये क्यू हमें आगे लगता है, इसलिए हमने क्यू तक हमने निकाला है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन, ठीक है। तो ये पूरा डिजाइन ऑफ कॉन्स्टेंट हो गया। हम कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन मतलब एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के बाद RCC में ध्यान में रखिए, पहले हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद मोमेंट हो या फिर टेंशन हो, शियर हो, वो निकालते हैं, और उसके बाद हम डिजाइन करते हैं। तो ये तीन ही स्टेप होते हैं RCC में। तो अभी कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन नाम बड़ा है लेकिन कुछ नया नहीं है, जो आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन या जो मेथड सीखा है वही, और उससे भी सिंपल इसमें एनालिसिस होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें होता क्या है। तो हमने जो डेप्थ ऑफ वाटर टैंक निकाली थी यहाँ पे 3.7 मीटर, तो उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ता है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने अपने सॉइल में भी ये पढ़ा होगा, वाटर प्रेशर एट डेप्थ। अभी हमें दो जगह पे प्रेशर निकालना है, ये नीचे का हमने पढ़ा है कि ये एज अ कैंटिलीवर एक्ट होगा, तो हम इसका अलग निकालेंगे। और यहाँ तक कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन है डिजाइन फिलोसफी के मेथड से, तो हमें यहाँ तक पहले निकालेंगे, ठीक है। नीचे का जो भी 1 मीटर या H/4 जो भी मैक्सिमम होगा वो छोड़ के हमें ऊपर हमें स्ट्रेस इंटेंसिटी निकालनी है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू γW(H-H). यहाँ पे γW वाटर का क्या होता है, 10 होता है, वाटर टैंक में यहाँ पे चेंज कुछ नहीं होगा, यहाँ 10 ही आएगा। और टोटल हाइट जो हमने निकाली थी वो 3.7 थी, और छोटा h मतलब ये, जो कि स्मॉल h क्या होता है, H/4 और 1 मीटर, विच एवर इज मैक्सिमम, ठीक है। तो इसमें 1 मीटर मैक्सिमम आता है, इसलिए हमने 1 लिखा, और 27 kN/m², ठीक है। और इसका भी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंगुलर ही आता है, सारे वाटर टैंक में ग्राउंड रेस्टिंग या कोई भी हो इसमें ऐसा ही आएगा। तो हमारे यहाँ पे इंटेंसिटी हमें मिल गई 27 kN/m², और बॉटम को क्या आएगी, γW(H) डायरेक्टली आएगी, P=γW(H), वो 37 आएगी, वो हम बाद में यूज करेंगे, अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखो। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया क्या, इसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको नीचे का 1 मीटर या H/4 छोड़ के जहां पर भी लेवल आएगी वहां का प्रेशर निकालना है, उसके लिए ये फॉर्मूला है, और बेस का भी आप निकाल के रख दीजिए, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर याद आएगा, मैं आपको अभी प्लान दिखाता हूँ वाटर टैंक को, ये प्लान है, मतलब ऊपर से हम वाटर टैंक देखेंगे तो वो इस प्रकार से दिखेगा, 6 मीटर 4 मीटर, ठीक है। तो कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन मतलब क्या, अभी हम AB और AD एज अ कंटिन्यूस फ्रेम कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं वही हमें करना है। पहले हम फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालेंगे, तो सारे सपोर्ट फिक्स्ड है इसलिए उसकी बेंडिंग मूवमेंट आएगी WL²/12, दैट इज W मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, PL²/12 आएगा, तो उससे मूवमेंट आई -81 kN/m। सिमिलरली हमें AB का निकाला वैसे ही AD का निकालना है, सिर्फ इसमें चेंज क्या होगा, वहाँ पे लेंथ 6 थी, यहाँ पे लेंथ 4 मीटर है, इस तरफ मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट हमने AB और AD के निकाल दिए हैं, तो पहला स्टेप ये क्लियर हो जाता है, और ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने अभी निकाला था।
तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में हम करते हैं। पहले फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकाल लिए और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम निकालेंगे। उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, जॉइंट ए कंसिडर करेंगे। एक सेकेंड आप प्लान देख लीजिए, आपको क्लियर ही हो जाएगा। ए बी और ए डी बोथ एंड्स, मतलब सारे एंड फिक्स्ड ही है, इसका मतलब क्या, ए बी और ए डी फिक्स्ड ही आएंगे। तो जॉइंट ए को कौन कौन से मेंबर है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ए बी और ए डी दो ही हैं, इसलिए ए बी एंड ए डी हमने यहाँ पे लिख लिया। कि हमको पता है कि फार एंड किसा है उसके ऊपर ये डिपेंड होता है, इसमें दो ही केसेस होते हैं। और जो फिक्स्ड एंड होता है उसमें क्या होता है, 4EI/L, तो ये वाटर टैंक में यही आएगा फॉर्मूला, दूसरा आएगा ही नहीं, 4EI/L और 4EI/L। ए बी के लेंथ हमें मालूम है 6 है, ए डी की 4 है। ये जो लॉन्ग वाली है ए बी 6 है, ये शॉर्ट वाली है वो 4 मीटर है। तो हमने ई आई वैसे ही कॉन्स्टेंट रखी, 4/6 आया 0.67, 4/4 आया 1। अभी समेशन के मतलब क्या होगा कि जो दोनों के आए हैं उनके एडिशन, मतलब 1.67। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है कि के डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ के। तो क्या हुआ, के इसका लेंगे 0.67 डिवाइडेड बाय 1.67 गिव्स अस 0.4, और 1 डिवाइडेड बाय के डिवाइड 1.67 दैट मींस 0.6। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिल गए। अब फाइनली हम मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और मूवमेंट्स निकालेंगे। तो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख लिए हैं और ये डी ए बी, मतलब ए बी और ए डी, इस प्रकार से हमने ये रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किए थे, ए बी के लिए 81, ए डी के लिए 36, इसलिए ए डी के लिए 36, ए बी के लिए 81, -81 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमने लिख लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसका समेशन करेंगे, जो हमारा यूजुअल प्रोसेस होता है, इसका समेशन करके 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर यहाँ पे लिखेंगे साइन चेंज करके, और फिर 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर लिखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 36 -81, समेशन आया -45 इंटू 0.6, तो आंसर भी निगेटिव ही आएगा, लेकिन हम यहाँ पे लिखते वक्त साइन चेंज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आंसर नेगेटिव आएगा और हम साइन चेंज के इधर साइन चेंज करके हम इधर लिखते हैं, मतलब दोनों भी नेगेटिव हैं, इसलिए नीचे लिखते वक्त पॉजिटिव आएंगे। समझ में आ गया आपको मैंने यहाँ पे क्या किया है, इनका समेशन किया, मतलब क्या, विथ साइन इनके एडिशन की, मतलब 36 एडिशन होगा लेकिन इसका -81 है, इसलिए -81 आया, तो आंसर आया -45। सो -45 इंटू 0.6 आया 27, -27 लेकिन हम यहाँ पे साइन चेंज करके लिखते हैं। सिमिलरली -45 इंटू 0.4 आया 80, साइन चेंज करके +80 हुआ। तो अभी हमें इनके समेशन करनी है, तो ये आया 63, ये आया -63, और यहाँ पे हमें फाइनल मूवमेंट मिल गई है। तो ये सब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस है। तो अभी हमने एनालिसिस करके बेंडिंग मूवमेंट एट सपोर्ट निकाली है 63 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हमें मालूम है कि फिक्स्ड अगर हो बीम तो उसकी बेंडिंग मूवमेंट कुछ इस प्रकार से आती है, ऐसे, मतलब ये नीचे कभी कभी ये ऊपर भी रहता है, मतलब कुछ इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है, डजंट मैटर। अभी फिक्स्ड एंड मूवमेंट तो हमने निकाली है, अभी सेंटर स्पैन की हमें निकालनी है, ठीक है। तो बेंडिंग मूवमेंट एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग स्पैन ए बी क्या आएगी, उसका उसके लिए फॉर्मूला है WL²/8 - MA। तो यहाँ पे W क्या था, W मतलब यहाँ पे P लीजिए, प्रेशर 27, L मतलब ए बी की स्पैन लेंथ है 6, WL² मतलब 6² / 8 - MA, वो जो कि हमारा यहाँ पे 63 आया था, -63, इसलिए इसका आंसर है 58.5। सिमिलरली हमें दूसरे के लिए करना है, बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ शॉर्ट स्पैन ए डी, मतलब अभी ये सपोर्ट का निकाला है, अभी बीच के मोमेंट निकालनी है, ठीक है। तो उसका भी फॉर्मूला सेम, WL²/8 - MA। तो इसमें चेंज क्या होगा, सिर्फ लेंथ चेंज होगी, उसमें 6 थी इसमें 4 थी। कैलकुलेशन किया हमने
वो मोमेंट आई -9 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फिक्स्ड बीम होता है उसकी जो मोमेंट डायग्राम होती है वो इस प्रकार से होती है। और हमने यहाँ की निकाली, अभी हमें सेंटर की निकालनी थी इसलिए हमने ये प्रोसेस किया WL²/8 - MA से ए जॉइंट की मूवमेंट हमें लेनी पड़ती है। ठीक है, अभी हमने हमें क्या निकलना है, डायरेक्ट टेंशन इन लॉन्ग वॉल। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि P × B/2 मतलब अपोजिट वाला विड्थ लेके उसका हाफ करना है। ठीक है, प्रेशर जो था वो 27 था × 4/2, आंसर इज 54। और शॉर्ट वॉल के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमने प्रेशर निकाला था 27, ये प्रेशर आप यहाँ पे निकाल चुके हो पहला, इसी प्रेशर को लेना है। अभी कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन जहाँ तक है यहाँ तक ये यहाँ का ही प्रेशर लेना है। ठीक है, मतलब क्या करना है, जो भी अपोजिट वॉल होगी उसका हाफ करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकाली है, ये ए भी है। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगी, इसलिए मैंने नहीं निकाला है, जो एक ही साइड का निकाला है ए बी। और यहाँ पे सपोर्ट मोमेंट जो है 63 हमने निकाली थी, और जो आंसर हमारा पॉजिटिव आया मतलब लाइन के नीचे 58.5, ये ए बी का हुआ। और ये ए डी, तो ए डी के लिए क्या है, 63 सपोर्ट का हुआ और -9 मतलब एन मोमेंट निगेटिव होते हैं, ये भी निगेटिव आई मतलब ये लाइन के नीचे नहीं जाएगी। अगर ये पॉजिटिव होती तो ये लाइन के नीचे यहाँ तक आ जाती। ठीक है, मैंने इसलिए पहले ही कहा था कि ये डायग्राम इस तरह से भी हो सकती है, यहाँ तक भी जा सकती है। तो ये दोनों आपको एग्जांपल इसी में क्लियर हो गए। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें जो भी मूवमेंट मिली है, हम RCS में क्या करते हैं, मूवमेंट हो, शेयर हो, या किसी भी एक क्राइटेरिया के ऊपर डेप्थ निकालते हैं और बाकी के लिए हम वो चेक करते हैं कि वो डेप्थ सेटिस्फाइड है या नहीं। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, मूवमेंट के बेस पे हम डेप्थ निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला m=Q×BD² है। तो मोमेंट जो मैक्सिमम है वो 63×10⁶ किया है, क्योंकि न्यूटन और mm में सब चाहिए। क्यू जो हम डिजाइन कॉन्स्टेंट निकाले थे 1.80, तो वो क्यू यहाँ आ गया। बी 1000, क्योंकि पर मीटर जैसे हम बीम के लिए निकालते हैं, सॉरी स्लैब के लिए निकालते हैं, उसी प्रकार पर मीटर का डिजाइन चाहिए, इसलिए × 1000×D². तो हमने डी निकाला 187, तो हम एज्यूम करते हैं 250, आप 250 कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं, ये कोई राउंड ऑफ के लिए कोई ये नहीं है, सिर्फ सेफ होना चाहिए। कवर 50 mm का ऐड करेंगे तो इससे हमें टोटल जो डी है वो 300 mm मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमारी एनालिसिस प्रोसेस खत्म हो गई है, अभी हमारा डिज़ाइन होगा। डिज़ाइन एक साइड का अगर देख लेंगे तो सारे साइड का आप डिज़ाइन आसानी से कर लेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल पहला हम देखते हैं। लॉन्ग वॉल मतलब होगा ए बी हमारे केस में। ठीक है, सपोर्ट मोमेंट हमें मालूम है 63 kN/m है, और जो टेंशन है जो हमने यहाँ पे निकाला था लॉन्ग वॉल के लिए वो 54 है। तो उन दोनों के लिए डिज़ाइन करेंगे अभी। ठीक है, ये 63 मतलब क्या था, अबाउ द लाइन था कुछ इस प्रकार से, मतलब यहाँ पे निगेटिव ही था। अब जो भी निगेटिव आएगा ना वो टेंशन ऑन लिक्विड फेस, अभी लिक्विड फेस और दूसरा होता है रिमोट फेस। लिक्विड फेस का मतलब क्या होगा, जो पानी के साइड की वॉल की पानी वॉल में जिस साइड को पानी लगेगा वो लिक्विड फेस होगी, और उसके अपोजिट की जो होगी वो रिमोट फेस। मतलब सपोज इस प्रकार से वॉल है और यहाँ पे पानी लग रहा है, तो ये होगी लिक्विड फेस और ये होगी रिमोट फेस। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि जो मोमेंट सपोर्ट को होगी उसका हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जो मोमेंट सपोर्ट को है 63 है और टेंशन क्या है 54 है, तो सपोज 250 हमने, 300 हमारी ये टोटल डेप्थ है, तो इसका हाफ कितना हुआ 150, तो 150 माइनस कवर
इज इक्वल टू 100, दैट इज 0.10, तो वो हमारा x होगा। मतलब क्या करना है, जो भी आपने थिकनेस ली है वॉल की, उसका हाफ करके उसमें से x डिडक्ट कर दीजिए, तो हमें x मिलेगा। तो वो होगा, ये कुछ इस प्रकार से टेंशन होगा ना, तो हमें मूवमेंट अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये 63 से हमने माइनस करके हमें 57.6 हमें मोमेंट यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, अभी मोमेंट मिल गया तो काम आसान है, मोमेंट मिल गया तो AST निकालो, और टेंशन के लिए भी AST निकालो, और दोनों का ऐड करके वो AST दे दो। तो AST पर मोमेंट क्या आएगा, तो इसके लिए इनका फॉर्मूला M डिवाइडेड बाई सिग्मा ST इंटू J इंटू D। अभी हमें जो मोमेंट, जो एरिया ऑफ स्टील हम निकालते हैं वो ऑलवेज हम mm स्क्वायर में निकालते हैं, तो सारे क्वांटिटीज न्यूटन एंड mm में रखिए। तो मोमेंट को न्यूटन mm में करने के लिए इंटू 10^6 कर दिया, बाकी का तो 130 न्यूटन mm में है जो हमने पहले एज्यूम किया था, J.861, और डेप्थ जो है वो स्मॉल d है, टोटल नहीं है, तो कवर माइनस करके हमने 250 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इससे हमारा एरिया ऑफ स्टील आया 2050 mm square। सिमिलरली हमें टेंशन के लिए भी स्टील निकालना है, उसका फॉर्मूला T/σST। तो σST आपको याद होगा हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया था 130, जो कि कोड से लिया गया है। तो AST टेंशन 54 इंटू 10^3 न्यूटन में किया, डिवाइडेड बाय 130, वो भी न्यूटन में है पर mm square। सो उसका स्टील हमने निकाला। सो अभी टोटल AST करेंगे, इस AST और इस AST को ऐड करके। ठीक है, तो अभी हमें 20 mm का बार हम एज्यूम करते हैं, और इससे कितने बार कितना स्पेसिंग लगेगा वो हमने निकाला है। सो 20 mm एट 120 सेंटर टू सेंटर, और ये जो एट सपोर्ट था, ठीक है, और मूवमेंट जो थी निगेटिव थी, इसलिए इसका जो स्टील आया वो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे ऑन लिक्विड फेस, ऑन रिमोट फेस मिनिमम 0.24%। ठीक है, अभी हमारी सपोर्ट की मूवमेंट जो थी 63 निगेटिव थी, इसलिए हमने क्या किया, उसका जो स्टील था वो लिक्विड फेस पे लगा दिया। यहाँ पे आप इस नोट डाउन कर लीजिए, निगेटिव मूवमेंट होगा तो लिक्विड फेस पे स्टील लगेगा, पॉजिटिव मूवमेंट होगा तो रिमोट फेस पे लगेगा। ठीक है, तो अभी ये 20 mm का स्टील 120 सेंटर टू सेंटर लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 mm का जो स्टील है वो, ये लिक्विड फेस है ना, ये अगर प्लान हो गया इसका, अंदर पानी होगा तो ये लिक्विड फेस हो गई, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 mm एट 120 mm सेंटर टू सेंटर इस तरह से वो नीचे नीचे होगा। तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, इसको आप लिख लीजिए, एन का मूवमेंट, और जो AST निकालने के बाद हम सेंटर को आएंगे, सेम प्रोसेस है। इसमें क्या है, 58.5 इसका जो स्टील आएगा वो रिमोट फेस पे जाएगा, क्योंकि ये आप पढ़ लीजिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव मूवमेंट टेंशन ऑन रिमोट फेस। सो पॉजिटिव मूवमेंट है ये, इसलिए हमारा इसका स्टील रिमोट फेस पे जाएगा। इतना ही अलग है, बाकी सब सेम आएगा। मॉडिफाइड मूवमेंट इसी प्रकार से निकालना है, AST का फॉर्मूला वही होगा, स्टील का फॉर्मूला टेंशन का वही होगा, उससे हमारा टोटल AST 2313 mm square आ गया। स्पेसिंग आपको निकालने का मेथड मालूम होगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, π/4d² × 1000। डी मतलब जो भी आपने डायमीटर एज्यूम किया है 20 mm 60 mm, डिवाइडेड बाय टोटल AST करेंगे तो आपको स्पेसिंग मिल जाएगा। और जो उसका जो अपोजिट फेस होगा, अभी रिमोट फेस पे है तो अपोजिट क्या होगा, मिनिमम 0.24% आप दे दीजिए एरिया ऑफ स्टील को। अभी हमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकालना है, काफ़ी आसान होता है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का जो है PT मिनिमम है 0.24% Fe415 के लिए। अभी जो हमारा D है वो लेस देन 500 है, इसका भी क्राइटेरिया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, रिइंफोर्समेंट जो है वो इक्वली डिवाइड करते हैं ऑन बोथ फेस। ठीक है, तो
300 का हाफ आया 150, तो मिनिमम एएसटी क्या आएगा 0.24% इंटू विड्थ 1000 इंटू 150, इक्वली डिवाइडेड है दोनों फेस पे, इसलिए मतलब ये डिपेंड करता है या आपकी डेप्थ 300 से कम है, 300 या 500 के बीच में है या 500 से ज़्यादा है, वो उसका भी मैं स्क्रीनशॉट आखिर में डाल दूंगा, ठीक है। तो वो आया 360 पर एमएम स्क्वायर पर फेस पर जोन, ठीक है। उसके आप स्पेसिंग निकाल दीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है, 0.24% होता है, उसके हिसाब से आप स्टील निकाल दीजिए। अभी हमने लॉन्ग वॉल का पूरा डिज़ाइन कर दिया, अभी हम क्या करेंगे, डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट वॉल, कुछ नहीं करना है। जो लॉन्ग वॉल में किया है सेम प्रोसेस हमें रिपीट करनी है, मॉडिफाइड मूवमेंट निकालना है, उसका एएसटी निकालना है, फिर टेंशन का एएसटी निकालना है, सिर्फ वहाँ के मूवमेंट लेने शॉर्ट साइड के। अभी हमने सब लॉन्ग साइड के लिया, इसमें शॉर्ट साइड के लेंगे। टोटल एएसटी निकाल के आप स्पेसिंग निकाल दीजिए, पॉजिटिव मूवमेंट होगा या नेगेटिव मूवमेंट होगा उसके हिसाब से आप स्टील का ये नीचे लिख दीजिए कि रिमोट फेस पे है या सिर्फ। इसमें क्या होगा, ये शॉर्ट साइड है और शॉर्ट साइड में जो भी एंड मूवमेंट और सेंटर मूवमेंट आई है वो सारी निगेटिव ही आई है, इसका मतलब सारा जो स्टील होगा वो टेंशन ऑन लिक्विड फेस, मतलब स्टील जो प्रोवाइड करेंगे आप वो लिक्विड फेस पे ही करेंगे, रिमोट स्पेस पे फेस पे नहीं करेंगे, मतलब मिनिमम कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अपने एंड का निकाला, सेंटर का भी निकालिए, सेम प्रोसेस करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें मैं वक्त जाया नहीं करता हूँ। अभी हमने डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट वॉल किया, शॉर्ट वॉल में हमें क्या करना है, अभी शॉर्ट वॉल का डिज़ाइन हो गया, अभी हमें क्या करना है, कैंटिलीवर एक्शन के लिए डिज़ाइन करना है, सिर्फ इतना ही डिज़ाइन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जो कि हमने पढ़ा था कि ऊपर होगा कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन और जो नीचे का h/4 और 1 मीटर जो भी मैक्सिमम आएगा इनमें, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे एज अ कैंटिलीवर, इसे सम फील भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो बेस होता है नीचे का और ये वॉल आगे चली जाती है, तो मतलब ये एज अ कैंटिलीवर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रेशर डायग्राम भी निकाली थी, हमारे यहाँ आया था 27 और यहाँ पे 37, ठीक है। वो 37 कैसे आया था, गामा डब्ल्यू, मतलब जो वाटर इस तरह से लग रहा है, और इनटू हाइट, बेस के ऊपर कितना आया 37 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैंटिलीवर एक्शन के लिए, मतलब इस पार्ट के लिए हमें अभी डिज़ाइन करना है। ये डेप्थ है, मतलब हाइट है वाटर टैंक की। अभी बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, तो 1/2 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच, मतलब ये क्या हुआ, गामा डब्ल्यू इंटू एच, मतलब ये इंटेंसिटी हुई, जो हम ट्रायंगल का निकालते हैं ना, मतलब यहाँ पे 37 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो भी मतलब प्रेशर आ गया है इसका, तो हम जो उसी प्रकार से हमें निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस है 37 इंटू हाइट है 1 मीटर इंटू हम इस एंड से निकालेंगे, इस एंड से होता है तो 1/3 होता है, इस एंड से 2/3, सो इस एंड से 1/3, इसलिए 1/3। यही हमने फॉर्मुलेट किया है, ये आपने सेकेंड या थर्ड ईयर में पढ़ा होगा। सो 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 37 ये बेस इंटू हाइट 1 मीटर के लिए हमने निकाला है, मतलब यहाँ तक ही कैंटिलीवर एक्शन है, इसलिए 1 मीटर इंटू h/3 मूवमेंट निकालना है, इसलिए तो वो मूवमेंट आ गया 6.16, ठीक है। तो उस मूवमेंट के लिए हम यहाँ पे एएसटी निकालेंगे, सिमिलरली हमने एएसटी निकाल दिया है और उसके ऊपर से हम स्पेसिंग निकालेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू मूवमेंट के लिए वो 1/3, इस फेस से 1/3 होता है, इसलिए h/3 हमने किया है, ठीक है। इस प्रकार से अब कैंटिलीवर का इतना ही डिज़ाइन होता है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। फाइनली अब हम बेस स्लैब, मतलब जो जिस पर वाटर टैंक रेस्ट होगा वहाँ पे हम उसका बेस स्लैब डिज़ाइन करेंगे। तो हम मिनिमम 200 mm थिकनेस का बेस स्लैब एज्यूम करते हैं,
तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि प्रोवाइड 0.24% ऑफ स्टील, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ सरफेस जोन क्या है कि 200/2 इज इक्वल टू 100, जो मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है कि क्राइटेरिया पहले से ही डिसाइड किए गए हैं। ये देखिए, ये जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सरफेस जोन ग्राउंड ग्राउंडेड स्लैब, तो इसका क्या होगा कि ये जो डेप्थ अज्यूम की है वो 300 से कम है, हमारा 200 है। तो 200 में उन्होंने क्या बताया है कि डी बाई टू कीजिए, और जो भी रिइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करेंगे वो टॉप एंड को प्रोवाइड कीजिए, बॉटम में कुछ नहीं होगा, नो बॉटम रिइंफोर्समेंट, ओनली टॉप, ठीक है। तो हम वैसे ही करेंगे, तो 200 का हाफ करेंगे 100 आ गया, जैसे कि यहाँ पे डी बाई टू किया गया है, तो वहाँ यहाँ पे भी डी बाई टू किया गया है, और ओनली अपर सरफेस विल बी रिइंफोर्स्ड। यहाँ पे देखिए, नो बॉटम रिइंफोर्समेंट, ओनली अपर रिइंफोर्समेंट, हेंस ओनली अपर सरफेस विल बी रिइंफोर्स्ड, और उसका भी 0.24% ऑफ स्टील, हेंस 0.24 / 100 इंटू 1000 मतलब विड्थ इंटू डी मतलब 100 जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो वो आया 240 mm², और उसके हिसाब से आपको स्पेसिंग निकालना है। और जो भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सरफेस जोन ग्राउंडेड स्लैब के लिए है, मतलब आप कितना स्लैब एज्यूम करते हो इसके लिए ये है। तो अब हम इसका सबसे इम्पोर्टेंट फेज देखने वाले हैं, जो कि है ड्राइंग, सबसे इम्पोर्टेंट। और यह जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसका ही ये ड्राइंग है, 6 m/4 m प्लान देख रहे हैं हम ऊपर से, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो भी मेन रिइंफोर्समेंट है वो प्लान में आप देखिए वाटर सरफेस को पैरेलल है, मतलब ये कंक्रीट के साइड को इम्पोर्टेंट मतलब मेन रिइंफोर्समेंट हो गया, और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन की तरह काम करेगी वो मतलब परपेंडिकुलर जाएगी, ठीक है। अब हम एक दो एग्जांपल चेक करते हैं। जो हमने पहला डिज़ाइन किया था लॉन्ग वॉल का, ठीक है, तो लॉन्ग वॉल में हमारा 20 mm बार 120 सेंटर टू सेंटर लिक्विड फेस पे आया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिक्विड फेस है, पानी इधर से लगेगा इसको, तो ये हुआ लिक्विड फेस, और ये जो मेन रिइंफोर्समेंट है वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, 20 mm का 120 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। सॉरी, ये लॉन्ग वॉल का इधर है 20 mm बार 120 mm सेंटर टू सेंटर, ये लॉन्ग वॉल का हमने देखा था पहला डिजाइन। जो दूसरा है, एट सेंटर, सेंटर को हमने क्या निकाला था, 20 mm का बार 130 और रिमोट फेस पे, ठीक है। ये लॉन्ग वॉल है, इसका सेंटर का जो पार्ट होगा तो ये यहाँ पे आएगा, और रिमोट फेस, ये हुआ लिक्विड फेस, ये होगा रिमोट फेस, 20 mm बार 130 mm सेंटर टू सेंटर में। ये प्लान है, अगर क्रॉस सेक्शन आप देखना चाहते हैं तो ए क्रॉस सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, 20 mm का बार 120 सेंटर टू सेंटर, मतलब जो भी यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं तो वो आप यहाँ पे डॉट दिखेंगे, और जो डॉट थे वो इसमें लाइन दिखेंगे, वो आप एज्यूम कर सकते हो। तो इस प्रकार से रिमोट फेस और लिक्विड फेस के हिसाब से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इतना ही था इस डिज़ाइन में। आगे आपको कौन सा भी टॉपिक चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे स्टैड प्रो के ऊपर भी वीडियो है जिसमें हमने मैनुअल चेक भी दिया है, वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। थैंक यू।